हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चारू जैन. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपीएससी लर्नर्स. सो या आई एम बैक. इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, कोई वीडियो शूट नहीं की. लाइव भी बहुत कम आ रही थी. खैर, वो कभी बाद में बताऊंगी कि इतना टाइम क्यों लग गया, कैसे लग गया. खैर, अब मैं आ गई हूँ बैक विद द बैंग. सो या इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक कविता बच्चों को सुनाई जाए, प्रॉप्स के थ्रू टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होना चाहिए, और कैसे कविता वॉइस मॉड्यूलेशन के थ्रू हम बच्चों को करा सकते हैं. तो यहाँ पर मैं एक कविता लूंगी, यानी बेसिकली कविता बोल रही हूँ तो हिंदी की ही होगी. हिंदी की एक कविता लूंगी मैं, एक चिड़िया के बच्चे चार. उसके प्रॉप्स भी दिखाऊंगी कि क्या प्रॉप्स यूज किए हैं और कैसे उस प्रॉप्स के थ्रू आप वो कविता बच्चों को करा सकते हो, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो या मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ. तो चलिए, मैं आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिखाती हूँ. पहले कि एक चिड़िया के बच्चे चार जो कविता है, हम नर्सरी केजी क्लास में बच्चों को कराते हैं, तो उसके लिए आप कैसे प्रॉप्स यूज कर सकते हो. ये प्रॉप जो है हैंडमेड है. पीछे आप स्टिक लगा सकते हो गत्ता लगा के. ये गत्ता बहुत हार्ड नहीं लगाया है मैंने, सिंपल पतले वाला जो बुक्स नोटबुक्स वाला गत्ता होता है मैंने वो लगाया हुआ है. पहले पेपर पे बना के और स्केच पेन से कलर किए हैं. स्केच पेन कर सकते हो, वैक्स क्रेयॉन कर सकते हो. तो ये है हमारी एक चिड़िया. अब चिड़िया के बच्चे चार भी हमें दिखाने थे, तो बच्चे चार जो है मैं दिखाती हूँ आपको एक एक करके. ये देखिए, दो बच्चे ये आई एम श्योर क्लियरली विजिबल है. दो बच्चे और दिखाती हूँ, एक से ही बनाइएगा जब भी बनाओ. ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ करके कलर करे हैं और यहाँ पे हम पीछे ऐसे स्टिक के थ्रू लगा सकते हैं. देखो, मैं आपको उतार के दिखाती हूँ. पहले मैंने ये ऐसे बनाए थे, लेकिन जब मुझे राइम आप लोगों को करके दिखानी थी तो मैंने स्टिक लगा ली है. स्टिक ऑप्शनल है, आपको स्टिक लगानी है नहीं लगानी आप मत लगाओ. अगर स्टिक नहीं लगानी तो आप पीछे लूप्स लगा सकते हो पेपर के ही. पेपर के लूप्स लगाओगे तो वो आप फिंगर्स में पहन सकते हो, तो आपके फिंगर पपेट बन जाएंगे. आप इनको कैसे भी बना सकते हो, फिंगर पपेट और स्टिक पपेट. तो ये है हमारी चिड़िया के बच्चे चार और ये है हमारी एक चिड़िया. सो एक चिड़िया के बच्चे चार, ये आप सिंपल, मतलब ये बहुत मिनिमल कॉस्टिंग और मिनिमल प्रॉप है कि किसी एक कविता के बहुत कम से कम प्रॉप्स अगर आपको बनाने हैं. आप इसके साथ एड ऑन भी कर सकते हो, घोंसला बना सकते हो. थोड़ा सा एक पेड़ पे घोंसला दिखा के वहां पर बच्चों का घर टाइप्स बना सकते हो. तो वो बहुत अगर आप करना चाहो तो इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी. बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा कि दैट सफिशियंट फॉर दिस राइम. तो ये सफिशियंट है, मैंने ये बनाया है. अब चलिए देखते हैं कैसे इस कविता को प्रस्तुत करेंगे, कैसे बच्चों को सिखाएंगे कविता. तो देखते हैं. हेलो बच्चों, तो आज हम एक कविता करेंगे, एक चिड़िया के बच्चे चार. तो आप सभी मेरे साथ दोहराइएगा. एक चिड़िया के बच्चे चार, एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाए, पूरब से पश्चिम को जाए, उत्तर से दक्षिण को आए, उत्तर से दक्षिण को आए, घूम टहल जब घर को आए, घूम टहल जब घर को आए, मम्मी को एक बात सुनाए, मम्मी को एक बात सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा, अपना घर है सबसे प्यारा. तो ये थी हमारी एक चिड़िया के बच्चों के चार की कविता. आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको आइडिया मिला होगा कि कैसे मैं किसी कविता का प्रॉप बनाऊं, कैसे बच्चों को कराऊं. अगर आपके माइंड में भी कंफ्यूजन चल रही थी कैसे कराऊं कविता या क्या प्रॉप बनाऊं, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा देख के. और आप अगर चाहते हो कि मैं इसी टाइप की वीडियोस लाइक कविता स्टोरी या कुछ भी, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही कराऊंगी ऑब्वियसली. सो किसी भी टॉपिक पे अगर आपको चाहिए, आप कंफ्यूज हो कि मैं कैसे इसके प्रॉप्स बनाऊं या कैसे नरेट करूं, रिसाइट करूं राइट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा. बाय बाय.